अब लहराओ भगवा और कर दो ऐलान, मंदिर वहीं बनाएंगे। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। आज तीन मुद्दों पे बात करेंगे और तीनों मुद्दों का सार एक ही है कि कैसे हम सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस करने देते हैं या फिर खुद करते हैं, या फिर कैसे जब सामने से डिमांड आती है, या एक तरीके से कहें कि कुछ हो रहा हो तो जब सामने से रोना आता है कि यहाँ पे सेकुलरिज्म ही ख़त्म हो गया। तो तीन मुद्दे हैं, रुकिए, देखिए, और इस पर अगर आप खुद नहीं आवाज़ उठा सकते तो इसको आप शेयर करिएगा। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेयर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। पहला मुद्दा ये कि जब न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में सेलिब्रेशन हो रहा था, लिटरली लोग पहुँचे हुए थे भगवे झंडे के साथ, पूरी तैयारी के साथ, दिया हुआ लेके, क्योंकि सिर्फ आपको बिलबोर्ड का पता है वहाँ पे लोग पहुँचे थे, इसका नहीं पता है, लेकिन अब पता शायद चल गया होगा जब फेसबुक पे वीडियोस वायरल हो रही थी। तो ये भी हुआ था एक्चुअली में कि वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ जितने इंडियंस हैं या स्पेसिफिकली बोलूँ वहाँ जितने हिंदू हैं, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और उन लोगों ने जो वीडियोज़ बनाई डाली वो हर जगह पहुँची। वेस्ट बंगाल में लोगों को जब ये सेलिब्रेशन चल रहा था 5 अगस्त को, जब भूमि पूजन हो रहा था, तो वहाँ पे बंगाल में सेलिब्रेशन जब चल रहा था, मैं वीडियो दिखा दूंगा, तो उन लोगों को उठा उठा के गाड़ियों में भर के ले जाया गया। जैसे प्रोटेस्ट के दौरान नहीं, गाड़ियों भर के ले जाया जाता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे आप दंगे भड़का सकते हैं, जिससे आप सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं, जिससे समाज में डिस्ट्रेस पैदा हो सकता है, ऐसा कुछ, तो उनको भर भर के ले जाया गया। शुक्र बस इतनी ही है कि मारा पीटा रह गया, बस इतनी कसर रह गई थी, भर भर के ले जाया गया, वहाँ से हटाया गया जो भी सेलिब्रेशन चल रहा था। और रोड पे, रास्तों पर से जितने भी भगवा झंडे लगे हुए थे उनको पुलिस हटा रही है। अब मैं, अगर मुझे बंगाल में कोई देख रहा है और कोई बंगाल पुलिस से कोई देख रहा है तो मुझे ये बता दे कि क्या बंगाल पुलिस में सारे मुसलमान भरे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या हिंदू अपने हाथ से इंसल्ट कर सकता भगवा झंडे की? एक बात है, मतलब उसके अंदर, मतलब एक उसकी आत्मा ने उसको झंझोरा नहीं हुआ कि कैसे, अगर सीएम का आदेश है, अगर आपकी ऊपर की अथॉरिटी का आदेश है, अगर तो आप इस हद तक चले जाएंगे कि ये सब करेंगे? झंडे के वहाँ होने से समाज में कुछ उत्पात तो मच नहीं रहा, कोई दंगे तो हो नहीं रहे, कोई रिलीजियस राइट्स तो हो नहीं रही, तो वो करने की क्या ज़रूरत है? वो भी उस दिन जब लोग उसी के होने का सेलिब्रेशन मना रहे थे, लेकिन बंगाल सरकार से देखा नहीं गया और वो चीज़ हो रही थी, वो वीडियो में है। फिर एक चीज़, एक फेसबुक मैंने वीडियो देखी, किसी मुस्लिम महिला ने डाला था, उस वीडियो में ये था कि जब भूमि पूजन हो रहा था तो उसी समय कहीं और राम जी की आरती भी हो रही थी और मुस्लिम महिलाओं द्वारा हो रही थी, और बाकायदा आरती की अच्छी वीडियो, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मैं डाउनलोड कर नहीं पाया, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा जिसमें आरती हो रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा
ये कमेंट पढ़ते हैं कि बाकी जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनका क्या कहना है। उनका सबका नीचे यही कहना था कि ये औरतें मुसलमान नहीं हो सकती, ये बस बुरके में कोई और औरतें हैं, ये सब भाजपा की हैं, ये हैं वो हैं। आप बहुत लोगों के कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो इससे कुछ चीज़ें पता चल गई कि देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जिन भी लोगों ने आरती उतारी, पूजा की, राम को भगवान माना, उनको भगवान सबसे डिनोट किया, उन लोगों को इस्लाम छोड़ देना चाहिए। मैं बहुत हम्बली कह रहा हूँ, मैं बहुत किसी को कन्वर्ट होने के लिए वो नहीं कह रहा हूँ। आप एथीस्ट बन जाइए, आप जो बनना है वो बनिए, इस्लाम छोड़ दीजिए। क्योंकि इस्लाम की फ़िलासफ़ी ये नहीं कहती कि अल्लाह के अलावा कोई एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट बता दो। और अल्लाह के अलावा जब आप किसी की पूजा नहीं कर सकते, किसी के सामने सर नहीं झुका सकते, किसी से डर नहीं सकते, कि किसी को अल्लाह से ज़्यादा सम्मान नहीं दे सकते, तो मतलब पूजा करना है समथिंग कुछ है भाई जो नमाज़ पढ़ने से भी ज़्यादा ऊपर है। तो अगर आप अल्लाह से ज़्यादा किसी को सम्मान दे रहे हैं, किसी की पूजा, किसी की आरती कर रहे हैं, तो ये तो आपके इस्लाम में परमिसिबल नहीं है। और वो साफ दिख रहा था कारण में आप लोगों का कितना समर्थन हो रहा है आपकी कम्युनिटी में। तो आप लोगों को ये करने से पहले इस्लाम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी भी जान खतरे में आ जाएगी। और अगर आप पाखंड से कर रहे हैं कि इधर भी दिखावा कर लेते हैं और उधर अपना काम चल ही रहा है जो चल रहा है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर आप रियल मुस्लिम जो कुरान पे चलता है, अगर आप वो हैं, तो आप ये मन से नहीं कर रहे हैं, आप ये दिखावा कर रहे हैं। और उतना कर देना भी आपके इस्लाम के अगेंस्ट चला जाता है। एक वीडियो और दिखाना चाहूँगा, पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी नहीं देखी होगी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था ना कि दुनिया का कोई मजहब, धर्म, रिलीजन, संप्रदाय कुछ ऐसा नहीं होता जो इंसान को फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़े, कन्वर्ट कराया जाए कुछ भी। और मैंने ये कहा था कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को बिना फोर्स के, बिना सर पे तलवार रखे कोई एक्सेप्ट नहीं करवा सकता, बिना लालच के कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता। और मैंने ये भी बताया था कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म पूरी दुनिया में एकदम वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा है, लोग अपना रहे हैं, लोग इंडिया आते हैं, लोग समझते हैं, लोग जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे, बहुत बड़े नंबर में ऐसे फॉरेनर्स हैं जो ऐसा कर चुके हैं। उसमें से एक महिला जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने अपलोड किया, उन्होंने बताया कि लॉर्ड राम का वापस आना क्या दिखाता है, उनका होना क्या दिखाता है, सब कुछ आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। Our house is lit with dears and we are all so happy because Ram Mandir is finally being reconstructed after 500 years of struggle. Why is Ram Mandir so important? Because it represents survival. Survival of Hindus, the greatest and oldest civilization on earth. For the past 2,000 years, the two big Abrahamic faiths have destroyed one ancient civilization after another. They did this because they believe only their concept of God is correct, and those who believe otherwise should be killed or converted. The things they hate the most are temples and idols. Destroy temples and you destroy the civilization. Great civilizations that could have given so much to the world were destroyed this way. Incas, Egyptians, Aztecs, Persians, pagans, Yazdis, I could go on and on. Hindu Holocaust started with destruction of temples and mortis. 60,000 temples were destroyed and 80 million Hindus were killed. Millions more were raped or sold into slavery, all in an effort to wipe out Hindus. But unlike all the other ancient civilizations, Hindus still survive, and that's because the Hindu ancestors fought every inch of the way and refused to give up. They said, we will not go quietly into the night. We will fight and we will survive. The world needs Hindus. Our knowledge and our way of life has the solutions to the world's problems. We all live if our temples live. That is why Ram Mandir is so important. Survival. और ये देख के बहुत लोगों की जली होगी कि मतलब कैसे, हम तो बहुत मेहनत करते हैं,
बेवकूफ़ बनाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इतना डराते हैं, इतनी जाने लेते हैं, सरों को काट देते हैं, ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ अपने आप ही काम हो रहा है। ये कैसे कि झारखंड में झारखंड पुलिस द्वारा हनुमान मंदिर में जब राम धुन बज रही थी अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट, उन लोगों ने स्पीकर ही हटवा दिया और ये कहा गांव वालों को कि माहौल ख़राब हो सकता है, यहाँ का दंगे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं समझ रहा हूँ अब पुष्पेन जी की बात सच लग रही है कि बस आप कहीं कहीं एज अ सीएम चेहरा हिंदू का होता है और कंट्रोल मुसलमान कर रहा होता है, या वो एक्सट्रीमिस्ट कर रहे होते हैं जिनको अपना जो सांप्रदायिक एजेंडा चलाना होता है। एक आज तक आप मस्जिदों से तो लाउड स्पीकर हटवा नहीं पाए, जिसकी वजह से इतने विवाद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो दिन में चार चार पाँच पाँच बार परेशान करते, लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं, और आपको एक उस लाउड स्पीकर से दिक्कत हो गई जो एक ऐसे दिन बज रहा था जब लोग बहुत खुश थे, कई सौ सालों के बाद अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहे थे, चाहे इस तरीके से सही, इससे किसी को तकलीफ़ नहीं होती, किसी की जान नहीं जा रही थी, किसी की नींद नहीं उड़ रही थी, लेकिन पुलिस ने हटवाया। अगर झारखंड पुलिस को मुझे कोई देख रहा है तो पहले आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि क्या आप हिंदू नहीं हैं। दूसरी चीज़, क्या आपके हिंदू होने के ऊपर आपके लिए वो झूठी ड्यूटी है जो आपको ऊपर ऑर्डर करे आपका सुपीरियर कि जाके मंदिर का लाउड स्पीकर हटवा दो, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आपका हिंदू होना? आपकी मोरालिटी नाम की भी कोई चीज़ है कि आप कुछ भी बात मान लेंगे किसी की भी? बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोग कभी कभी अच्छी बातें और बिल्कुल जायज़ बातें तो मानते नहीं, ये नाजायज़ बात कैसे मान ली? बंगाल की सरकार और झारखंड की सरकार, वहाँ के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त आ गया है अपनी सरकारों को, चाहे जिस सरकार में हो रहा, भविष्य में अगर आपको भाजपा सरकार में भी ऐसी हरकत दिखे तो उस सरकार को भी बदलने का वक्त आ गया है। तो जिस किसी सरकार में आप ये महसूस करें कि इतना भेदभाव हो, इतना भेदभाव, इतनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो, क्या पुलिस ने कभी हसन हुसैन के लिए जो चलता है काफिला, जब लोग अपने आप को बड़े बड़े हथियारों से चोट पहुंचा रहे होते हैं, तो क्या पुलिस ने कभी उसको रोकने की कोशिश की है? वो बहुत डेंजरस होता है, जब वो जा रहा होता है सड़क के सामने से तो लोग अपने घरों के अंदर छुप जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनमें से कोई बौरा के आपका मर्डर ना कर दे। ये मैं क्लियरली ब्लंटली बोल रहा हूँ, लोगों के अंदर की बात बता रहा हूँ। क्या पुलिस ने कभी उसको रोकने की है? क्या सरकारों ने कभी एक ऑर्डर जाहिर करके, या फिर सरकार ने, या फिर कोर्ट ने, या किसी ने भी एक कोशिश की है कि वो चीज़ बंद हो, या पॉपुलेटेड इलाकों से ना जाए, या फिर ट्रैवल ना करें, सिर्फ एक जगह लोग करें, किसी पार्क में कहीं एक जगह इकट्ठा होके? लेकिन वो बहुत हिंसात्मक होता है, वो चीज़ होती है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन एक लाउड स्पीकर से, जो कि एक ऐसे दिन बज रहा था जिससे सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, बंद कराना बहुत ज़रूरी था। खैर, इन सारी घटनाओं से आपको क्या लग रहा है? जिस तरीके से ये जो तीन घटनाएं मैंने आपको बताई, और एक जो महिला जिसने खुद हमें राम जी के बारे में बताया और हिंदू धर्म के बारे में जितना भी वो जानती थी, जितना भी उसने एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स को, उसने बताया सैक्रिफाइस का कैसे ये सब रिजल्ट है और इसका मतलब क्या होता है। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि जो बंगाल में हुआ, जो झारखंड में हुआ, जो लाउड स्पीकर हटवा दिया गया, जो लोगों के लिए लोगों को गाड़ियों भर के ले जाया गया और झंडे हटवा दिए गए, खुद हटाए, आप वीडियो देख चुके होंगे, तो देश के बाहर भूमि पूजन को बहुत गर्व से सेलिब्रेट किया गया, और देश के अंदर ही कुछ स्टेट्स में, कुछ जगहों में, कुछ सरकारों ने एक्शन लिया राम जन्मभूमि के सेलिब्रेशन पे। और मैं जनता से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग आखिर कब तक इस बेवकूफ़ी में रहने वाले हैं, और कब जाके इसका रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे कि भाई साहब अब एक सीमा होती है वो पार हो चुकी है, अब अगर कोई पार्टी हमें इस तरीके से नहीं दे सकती तो आप में से कोई बीच में से एक नेता उठ के आए और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक ऐसी सरकार बनाए, एक ऐसा लीडर बन के उभरे कि इन सारे भेदभावों से उसको मुक्ति मिले, उस राज्य को मुक्ति मिले। खैर, मेरा काम था बताना, मेरा काम था आप लोगों से सवाल पूछना कि ये सब कब बंद होगा, सरकारों से सवाल पूछना कि सब कब बंद होगा। आप कमेंट बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।